एक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जो हो कॉरपोरेशन के मालिक श्रीधर वेम्बू पर लग रहे हैं आरोप। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी प्रोमिला श्रीनिवासन है। क्यों जो हो कॉरपोरेशन के मालिक श्रीधर लाइमलाइट का हिस्सा बन गए हैं? जो हो कॉरपोरेशन का कारोबार कितना बड़ा है और क्या आरोप श्रीधर पर लगाए जा रहे हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं। जोहो कॉरपोरेशन के फाउंडर और सीईओ श्रीधर वेम्बू ने अपनी पत्नी के आरोप को मनगढ़ंत बताया है। आरोप क्या है वो भी जान लीजिए। श्रीधर ने अपनी पत्नी और ऑटिज्म से ग्रस्त बेटे को उनके हाल पर छोड़ दिया है। श्रीधर प्रोमिला श्रीनिवासन को उनका हक लेने से भी रोक रहे हैं। इन्हीं आरोपों पर श्रीधर वेम्बू ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऑटिज्म ने उनकी लाइफ को खत्म कर दिया है। दरअसल श्रीधर और उनकी पत्नी पिछले 15 साल से अपने ऑटिज्म से ग्रस्त बेटे को ठीक करने की कोशिश में लगे थे। अब उनका बेटा 24 साल का हो चुका है लेकिन ऑटिज्म से उन्हें अभी तक छुटकारा नहीं मिला है। लेकिन ये समस्या क्या केवल ऑटिज्म से ग्रस्त बेटे के कारण पैदा हुई है? शायद नहीं। दरअसल श्रीधर पहले यूएस में सेटल थे और अपने पत्नी बेटी के साथ वहीं रहा करते थे। अचानक साल 2022 में श्रीधर सब कुछ छोड़कर भारत में तमिलनाडु लौट आए। अब श्रीधर तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक गांव में रहते हैं और वहीं से अपना कारोबार देखते हैं। बस यही वो कारण है जिस वजह से श्रीधर और उनकी पत्नी प्रोमिला के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं और मामला तलाक के लिए कोर्ट में जा पहुंचा, जहां ये आरोप लगाए गए कि श्रीधर अपनी पत्नी और बेटे को उनके हाल पर छोड़ उनसे अलग रह रहे हैं, साथ ही अपनी संपत्ति में भी उन्हें हिस्सा लेने से रोक रहे हैं। इतना ही नहीं, श्रीधर ने अपनी संपत्ति को अपनी बहन और खुद में बांट भी लिया है और इन्हीं आरोपों का खंडन करते हुए श्रीधर ने इन्हें मनगढ़ंत बता दिया है। जहां तक बात जोहो कॉरपोरेशन के कारोबार की है तो आपको बता दें, जोहो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एक सिंगल क्लाउड सिस्टम के जरिए हर वो एप्लीकेशन उपलब्ध कराता है जिसकी जरूरत क्लाउड सिस्टम पर बिजनेस चलाने के लिए होती है। वहीं ये सॉफ्टवेयर कंपनी 40 तरह के ऐप्स भी प्रोवाइड कराती है जिसमें जोहो पीपल, ऑफिस बुक, CRM जैसे ऐप्स शामिल हैं। इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सिस्टम के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन लेनी होती है इनकी। कुल मिलाकर कहें तो ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ऑफिस स्पेस देते हैं जहां हर वो चीज आपको मिलती है जो एक बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, और इसके लिए कंपनी कुछ अमाउंट सब्सक्रिप्शन के तौर पर लेती है और इनके बदले में देती है आपके डेटा की सुरक्षा की गारंटी। आज की तारीख में श्रीधर की कंपनी जोहो के 6 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और ग्राहकों की सूची में लेवाइस, अमेजोन, फ्लिप्स, ओला, शाओमी और जोमैटो जैसी कंपनियां शामिल हैं। आज की तारीख में जोहो करीब $1 बिलियन की कंपनी है और इस कंपनी का फिलहाल जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है जहां से श्रीधर इसे ऑपरेट करते हैं। ये तो बात हुई कंपनी क्या करती है, अब बात आती है जोहो कॉरपोरेशन में हिस्सेदारी और श्रीधर की नेटवर्थ वाले मुद्दे पर। सबसे पहले आपको बता दें, श्रीधर वेम्बू की कुल नेटवर्थ है 30,000 करोड़ रुपए। जोहो कॉरपोरेशन में वेम्बू के 88% शेयर हैं जिनकी कीमत है करीब $1.83 बिलियन। 2022 की फोर्ब्स के अमीरों की सूची के अनुसार श्रीधर वेम्बू भारत के 48वें सबसे अमीर इंसान थे। साल 2019 में जोहो कॉरपोरेशन ने करीब 516 करोड़ का मुनाफा कमाया था। इस मुनाफे में श्रीधर ने गांव में ही एक इंस्टीट्यूट खोल लिया जिससे देश के युवाओं में स्किल डेवलप किया जा रहा है और उन्हें कंपनी की ही तरफ से नौकरी भी दी जा रही है। वेम्बू आत्मनिर्भर भारत योजना के समर्थक हैं। श्रीधर वेम्बू के योगदान को भारत सरकार ने भी मान्यता दी है और यही वजह भी है कि उन्हें साल 2021 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब कौन सही है और कौन गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं।